वैसे तो मैं क्रिस्टल बॉल के अंदर हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर देखने में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी डर्टी मिरर के सामने खड़ा हूँ? किसने बुलाया जो तू यहां आया? यू आर नॉट वेलकम. इन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे डे और नाइट की फाइट चल रही है. इन्हें देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे इंडियन टीम खुद इंडियन टीम के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रही है. तीन बजने से पहले अगर विवान ने इस ईविल बालवीर को नहीं हराया तो ग्रीन ड्राइव इवेंट में देबू की लाइफ खतरे में आ जाएगी. हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा. बुराई के जबड़े में फंसकर अच्छाई बच नहीं सकती. अनन्या दीदी, दीदी तुम लोगों में से कोई भी यहां से बचकर नहीं जा सकता. इज दैट सो? ओ कम ऑन, अच्छाई के पास सिर्फ इतनी ही ताकत है. अब मैं दिखाता हूं कि बुराई कितनी शक्तिशाली है. क्योंकि अगर यहाँ बैड जूनियर बालवीर है तो बैड सीनियर बालवीर भी होगा ना. आ, 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 आ। तो अक्रूर हम पर हमला करने नहीं आया था बल्कि वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए आया था ताकि तिमनासा हमारी प्रयोगशाला में से वो विस्फोटक चुरा सके. बालवीर, विवान का कहीं पता नहीं चल रहा है. हाँ, विवान से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान के ना मिलने में और इस विस्फोटक के गायब होने पे कोई संबंध है? बालवीर, मेरी सलाह है कि हमें वृक्षारोपण समारोह को यही रद्द कर देना चाहिए. नहीं पानी परी, ये वृक्षारोपण समारोह धरती के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम ये समारोह रद्द नहीं करेंगे. बालवीर कब तक आएगा? आगे आ गया ना. अरे पोस्टर वाला नहीं, सीएल वाला. आएगा आएगा. बालवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं. तिमनासा के डर से हम खामोश नहीं बैठेंगे. हम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर उस विस्फोटक को ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस समारोह पर नजर भी रखेंगे. हाँ, इस समारोह से पहले विवान और विस्फोटक दोनों को ढूंढना बहुत जरूरी है. थैंक यू. हमें यहाँ से जल्दी से एग्जिट करना चाहिए. ग्रेट आइडिया नन्हे दीदी, क्योंकि अगर सीनियर बालवीर आ गया ना तो हम सबके सर्वाइवल चांसेस 50% हो जाएंगे. ओह नो, अब तो जिंदा बचने का चांस 25% हो गया है.
तुम लोगों ने मेरे भाई को स्मोक में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी। तो तुम सबकी जिंदगी भी अब मैं धुएं में उड़ा दूंगा। अरे ओ, अगर रिसाइकल करना है ना तो प्लास्टिक रिसाइकल करो, मेरा डायलॉग क्यों रिसाइकल कर रहे हो? बटो! तुम लोगों को क्या लगता है, पाताल लोक में आओगे, घूमोगे, फिरोगे और मुझे हरा कर चले जाओगे? नहीं, हमें तो लगा था कि हम पाताल लोक में आकर तुम्हें मार के चले जाएंगे। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे छोटे भाई की तरह तुम्हारा और पाताल लोक का ध्यान करके ही रहेंगे, लेकिन राइट नाउ यहाँ से भागना ही बेस्ट स्टेप है। पूरी धरती के सबसे निचले स्तर पर है पाताल लोक, कहाँ तक भागोगे तुम लोग? इतनी देर हो गई मुझे पाताल राजा ने कोई खबर नहीं दी, न जाने कहाँ है वो। जिस मोहरे पर तुमने दाव लगाया था तिमनासा, वो घोड़े बेच के सो रहा है। वो तो ऐसे विश्राम कर रहे हैं कि युद्ध लड़ने के पहले ही जीत गए हो। मैंने उस मूर्ख से कहा था कि जब तक बालवीर की मौत न हो जाए तब तक उसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन हम पाताल राजा की तरह लापरवाह नहीं हो सकते। अब तुम दोनों जाओ और मुझे पल पल की खबर देते रहना और ध्यान रहे कोई चूक ना हो। थैंक यू बालवीर। ये इविल बालवीर तो हम लोगों की जान लेने के लिए कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड है। हमें इस इविल बालवीर से बस हर दोपहर के 3 बजे तक बच के रहना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इस भागम भाग में तुम लोग क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? अनन्या दीदी, पाताल लोक से निकलने की चाबी। अच्छा, इस चाबी को प्राप्त करने के लिए तुम लोगों ने मुझे गहरी नींद में सुला दिया। लेकिन तुम्हारी आजादी की चाबी अब हमारे पास है, तो क्या करोगे तुम लोग? तिमनासा ने उस विस्फोटक को कहाँ छिपा रखा है? हाँ, और ना जाने वो खुद किस रूप में कहाँ छुपी बैठी है। दिल से बुलाया, बालवीर आए। भारत नगर के सारे बच्चे यहाँ पर हैं, पर मेरा विवान कहीं नहीं दिख रहा। अब आप चिंता मत कीजिए करुणा जी, मैंने उसे ग्रीन ड्राइव की स्पेशल तैयारी करने भेजा है, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा। बालपरी, मैं यहाँ मौजूद 70% लोगों की जांच कर चुकी हूँ, लेकिन विस्फोटक का कहीं पता नहीं चला।
बालपरी, क्या हमें इस केक की भी जांच करनी चाहिए? नहीं परियो, इस केक को विवान के दोस्तों ने बनाया है। इसकी जांच करके हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बाकी लोगों की जांच जारी रखनी चाहिए। मुझे मालूम था कि अनन्या और विवान के दोस्तों पर कोई शक नहीं करेगा। बस कुछ ही पल में 3 बज जाएंगे और बालवीर नाम अच्छाई की किताब से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो केक कटिंग कर लेते हैं। और बालवीर और उसके फॉलोअर्स, यहाँ ग्रीन ड्राइव का इनॉग्रेशन देखने आए थे ना, अब देखेंगे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। मेरे गले में ये चाबी वापस आ गई, अब तुम्हारे गले में मौत का फंदा डालेगा ये बालवीर। हम भी थोड़ी मदद कर देते हैं। चीन की विशाल दीवार भी मुझे नहीं रोक सकती, तो ये छोटी सी दीवार क्या चीज है? पाताल राजा, अगर आप अनुमति दें तो पाताल लोक के इन घुसपैठियों को मैं अपने हाथों से सजा देना चाहूंगा। अवश्य बालवीर, ऐसे कीड़े मकोड़ को मारने में मैं अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। अनन्या दीदी, अब तो हमारे बचने के चांसेस 0% हो गए हैं। 3 बच चुके हैं और अभी तक हम बालवीर को क्या, हम तो खुद को भी नहीं बचा पा रहे हैं। अब बालवीर की सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5, 4, 3, 2, 1, बूम। मुझे बस एक बात का दुख रह जाएगा कि बेचारे बालवीर को मरने से पहले ये भी नहीं पता चला कि उसकी मौत तिमनासा की वजह से हुई है। ये बालवीर के शरीर से काला धुआं क्यों निकलने लगा? ऐसा तो तभी होता है जब दिल से बुलाया अच्छा बालवीर आया। सरप्राइज। बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली है आपने।
हमारा प्लान टोटली सक्सेसफुल हुआ। अगर ये अच्छा बालवीर है तो पाताल लोक का बुरा बालवीर कहाँ गया? वो तो गया ऊपर, धरती के ऊपर नहीं, उससे भी ऊपर। हाँ। अरे भैरानी के कामयाबी का घोड़ा 100 मील के गति से दौड़ते दौड़ते अचानक गिर कैसे गया? अब ये सब समझने के लिए तो कहानी में 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। इससे पहले कि इविल सीनियर अपने इविल जूनियर की हेल्प करने आए, तुम लोग पाताल लोक की चाबी लेकर यहाँ से निकल जाओ और गुड बालवीर को सारा प्लान बता दो। नहीं विवान, अगर पाताल लोक के राजा को ये पता चल गया कि उसके नए सिटीजन्स गायब हैं, तो वो अलर्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरे पास दूसरा प्लान है जिससे हम पाताल लोक को और यहाँ के राजा को चेकमेट कर सकते हैं। और फिर अनन्या दीदी ने गुड बालवीर को ईविल बालवीर के साथ अदला बदली करने का प्लान बनाया। ये क्या कर रही हैं आप अनन्या दीदी? अब ये ड्रोन ग्रीन ड्राइव के इवेंट पर जाकर गुड बालवीर को जूनियर बालवीर का मैसेज देगा कि उसे राइट मोमेंट पर राइट प्लेस पे पहुंचना है। कौन सा राइट मोमेंट और कौन सी राइट प्लेस? राइट टाइम है 3 PM और राइट लोकेशन है ग्रीन ड्राइव की लोकेशन। ओ, तो अब मैं समझा, जब गुड बालवीर ऊपर ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पर आएगा उसी वक्त हम ईविल बालवीर को यहाँ ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पर लेकर आएंगे ताकि उन दोनों बालवीर की अदला बदली हो सके। करेक्ट। लेकिन ईविल बालवीर ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पर जाएगा ही क्यों? पाताल लोक की इस डुप्लीकेट चाबी के लिए। उसके बाद मैंने सीनियर बालवीर के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया और जैसे मुझे और परियों को विवान का संदेश मिला, तुम्हारी योजना पर पानी फेरने का काम हमने शुरू कर दिया। और उसके बाद हम ईविल बालवीर को पाताल लोक की चाबी के पीछे भगाते हुए इस जगह पर ले आए जहाँ पर मैं पहले से तैयार खड़ा था। 4, 3, 2, 1। और अपनी इस चाल के लिए तुमने बच्चों की जान खतरे में डाल दी। अपने फायदे के लिए दूसरों की जान तुम खतरे में डाल सकती हो तिमनासा, हम नहीं। और इसलिए उस बॉम्ब से प्रोटेक्शन के लिए बालपरी ने ग्रीन इवेंट के सारे लोगों पर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड डाल दी थी। सारे लोग नहीं, पाताल लोक के बुरे रिंकू, सुतली, अनन्या और खुशी को छोड़कर बाकी सभी लोगों पर। चाल तो तुमने अच्छी चली, लेकिन तुम्हें मौका मिला था तो भाग जाना चाहिए था, क्योंकि सेनापति के मरने से राजा की हार कभी नहीं होती, जानते हो ना? पाताल राजा, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप पाताल लोक के राजा हैं? क्योंकि तुम्हारे गले में जो चाबी लटक रही है वो असली चाबी नहीं है। एक्चुअली हम लोग यहाँ इसीलिए रुके हैं ताकि तुम्हारे साथ साथ पूरे पाताल लोक का अंत कर सके। तुम्हारे बुराई के अंधेरों को सच्चाई और अच्छाई का उजाला खत्म कर देगा। गेम ओवर कॉकरोच गैंग, तुम्हारे दी एंड आ गया। बढ़िया बढ़िया।
गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों उम्मीद है कि आप सब पेड़ों से प्यार करोगे और पेड़ों के महत्व को समझकर वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम शुरू करोगे। जाओ ग्रीन ड्राइव की शुरुआत करो। परियों ने मिलकर सभी बच्चों की याददाश्त मिटा दी है। अब इन बच्चों को ग्रीन ड्राइव इवेंट के अलावा किसी भी चीज के बारे में याद नहीं रहेगा। कूल एंड आई होप कि जो बच्चे इस ग्रीन ड्राइव को देख रहे हैं उन्हें अर्थ के ट्रीज की इम्पोर्टेंस याद रहे। इम्पोर्टेंस याद होनी भी चाहिए क्योंकि अगर नहीं रहेगी तो कहीं आग कहीं तूफान कहीं फ्लड्स कहीं सूखा होगा, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अरे अनन्या रिलैक्स, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रूथ का पंख जोर से ही मारना चाहिए तभी लोगों के माइंड में उसकी ग्रेविटी रहती है। कम ऑन गाइस वी नीड टू डू दिस।